श्री सद्गुरुदेवाय नमः। संत शिरोमणि अनंत श्री परमहंस राम मंगलदास जी महाराज से किसी ने एक बात पूछा कि आपकी उपासना क्या है। उन्होंने कहा, कोई उपासना ना जाए, मेरी यही उपासना है। बोले, अर्थात जो भूखा है उसे भोजन, जो लौकिक कामना पूर्ति का भूखा है उसकी कार्य सिद्धि, ईश्वर प्राप्त हेतु भजन मार्ग का जिज्ञासु उसे सुरति सब राजयोग का मार्गदर्शन कर संतुष्ट करना। भगवत एवं संत प्रेमी भक्तों का YouTube चैनल गोकुल भवन अयोध्या में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज के जीवन परिचय के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आज मैं कुछ उनके बारे में और बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। अपने गुरु परमहंस श्री बेनी माधव दास जी के साकेत गमन के बाद आपने स्थान का पूरा कार्यभार संभाल लिया। स्थान की व्यवस्था, रोगियों की सेवा, दर्शनार्थियों का समाधान करना, मंत्र दीक्षा, दीन दुखियों की देखभाल, कल्याणकामी साधकों को उपदेश तथा भजन मार्ग का निरूपण करके आपके नित्य कर्म हो गए थे। श्री गुरुदेव की सेवा काल से ही आपको रात दिन चतुर्गुणी संतों तथा दिव्य लोकपतियों का प्रत्यक्ष दर्शन होता रहता था। उनके द्वारा जो कुछ लिखवाया जाता उनका संग्रह भी करना पड़ता था। आपके सम्मुख सदैव सठ झांकी सीताराम, राधेश्याम और लक्ष्मी विष्णु सामने ही रहते थे। तीव्र अनंतनाथ के कारण संसारी वार्ता सुनाई नहीं देती थी, स्लेट पर लिख कर ही बातचीत होती थी। आप सुरती सब राजयोगी अद्वैतवादी आदर्श संत थे। साधन की पूर्णता के पश्चात आपका प्रभाव एवं महत्व अवध धाम में बाल सूर्य के भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। पूर्ण वैराग्य तो था ही, साथ ही जनता जनार्दन की सेवा तन मन धन से करना ही आपका एकमात्र उद्देश्य था। रुपया पैसा छूटे नहीं थे। साधारण मार्किंग की एक लंगोटी में बिना बिछावन तख्त पर सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक बैठे रहकर जन जन की समस्याओं का निदान करते रहते थे। भोजन बिल्कुल सादा एक समय करते। त्याग की पराकाष्ठा होने के कारण थोड़े समय में ही दुनिया वाले कहें तो एक पर एकदम भीड़ लगने लगी। सबकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। संसार तो स्वार्थी है ही, सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती। सबका दुख दर्द गुरुदेव ठीक करते थे। श्री महाराज जी को सभी देवी देवताओं के मंत्र देने का ईश्वरीय अधिकार प्राप्त था। शिष्य की रुचि के अनुकूल देवता का मंत्र बताते थे। ध्यान, भजन मार्ग, गृहस्थ, विरक्त सबके लिए समान था। केवल रहनी में अंतर था। आपकी साधना पद्धति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि किसी भी धर्मावलंबी के लिए समान अवसर था। सभी धर्मों व जातियों के शिष्य अब भी पर्याप्त संख्या में तीर्थ स्थान में फैले हुए हैं। आपके एक विदेशी शिष्य का वर्णन करना मैं चाहूँगा। एक बार बहराइच के संत श्री अद्वैताचार्य जी एक अमेरिकी को लखनऊ से गोकुल भवन लेकर आए। महाराज जी ने कहा, मैं अंग्रेजी तो जानता नहीं, 2 किताब पढ़ा हूँ, कैसे समझाऊँ? अद्वैताचार्य जी ने कहा, महाराज जी आप हिंदी में बोलिए, मैं अंग्रेजी में अनुवाद करके इनको समझा दूंगा। 5 मिनट मौन रह कर बोले, चलो कोठी में ही समझाया जाए। महाराज जी तख्त पर बैठ गए, सब लोग नीचे आसन पर बैठ गए। बस कुछ समय बाद महाराज जी धड़ाधड़ अंग्रेजी में बात करने लगे। भक्त सुन के हैरान रह गए और मान गए कि आप निश्चय ही सिद्ध संत हैं। ये घटना अद्वैताचार्य जी ने महाराज जी के निर्वाण दिवस के भंडारे के समय आम जनता को बताया था। आपकी ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी। और एक बात, आपके गुरुदेव के जीवन काल में जब वे स्वस्थ थे
महाराज जी से कहा, तुम बद्रीनाथ जी के दर्शन कराओ। श्री गुरुदेव के ने रात में संकल्प किया, ध्यान में श्री बद्रीनाथ का दर्शन किया, सुबह सब हाल अपने गुरुदेव को बताया। महाराज जी, हम रात में ही श्री बद्रीनाथ जी का दर्शन कराए, प्रतिमा मंदिर दुर्गम मार्ग का पूरा पूरा हाल उन्होंने कह सुनाया। आपके गुरु महाराज मान गए, भैया तुम्हारी गति मेरे से ज़्यादा है, जब हमारा अंत समय आ जाए तो पहले से ही बता देना। वैसा ही हुआ, बड़े महाराज जी के शरीर छोड़ने से पहले ही कह दिया, महाराज जी समय आ गया है, मन बटोर लें। वैसा ही किया और ध्यानस्थ होकर शरीर छोड़े थे। एक बार की घटना और बताना चाहूँगा। ग्राम धर्मपुर फैजाबाद जिले में है, एक व्यक्ति जिसको भूत बाधा थी, कई आदमी उसको लेकर महाराज जी के पास आए। वह भूत परिवार के लोगों को बहुत परेशान करता था। महाराज जी ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, क्यों इन लोगों को सताते हो? भूत उस व्यक्ति के माध्यम से बोला, मैं आपके पास आने के लिए ही इतना कष्ट देता था, मैं केवल आपका चरणोदक चाहता हूँ। जब उस बाधाग्रस्त व्यक्ति को महाराज जी का चरणोदक पिलाया गया, वह भूत उस व्यक्ति को छोड़कर चला गया। तब महाराज जी ने बताया, वह बैकुंठ चला गया है। दर्शकगण यह चमत्कार देखकर चकित रह गए। सभी परिवारीजन उस व्यक्ति को स्वस्थ दशा में लिवाकर प्रसन्नचित वापस चले गए। ऐसे थे हमारे संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो इस दास को क्षमा करिएगा। सही सद्गुरुदेवाय नमः।